असलम नाइन्थ क्लास नाइन्थ क्लास आज हम चैप्टर नंबर ट्वेल्व के शार्ट क्वेश्चन करेंगे जो सिलेबस में शामिल है बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव शामिल है लेकिन हम क्वेश्चन नंबर वन भी करेंगे ट्रू एंड फालस क्योंकि इससे एम सी क्यूज बनते हैं बेटा इसका पहला एम सी क्यूज देखें तो लिखा हुआ number है पेज नंबर टू हंड्रेड सिक्सटीन है बाई सेक्शन मीन टू डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाई का मतलब टू होता है सेक्शन का मतलब काटना तो ये ट्रू है बाई सेक्शन का मतलब होता है कि दो इक्वल पार्ट्स में काटना सेकंड देखें तो ये बनता है राइट बाई सेक्टर राइट बाई सेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट मीन्स टू ड्रा परपेंडिकुलर विच पासस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट तो बेटा ये भी ठीक थी, ठीक है कि राइट right बाई क्या होता है परपेंडिकुलर होता है यानी कि नाइनटी का एंगल बनाता है और मिड पॉइंट से गुजरता है तीसरा देखें एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज़ नॉट इक्ो डिस्टेंस फ्राम इट्स एंड पॉइंट तो ये बेटा हमने पढ़ा था कि इक्व डिस्टेंस होता है कि राइट बाई सेक्टर पर जो भी पॉइंट हो वो इक्व डिस्टेंस होता है यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट इक्व डिस्टेंस ये नाट की वजह से बेटा फॉल्स है एनी पॉइंट इको डिस्टेंस फ्राम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ इट ये ठीक है कि राइट बाई सेक्टर पर जो भी पॉइंट हो तो वो उसके लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स के एक जैसे फासले पर होता है पाँचवा देखें द राइट बाईसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ट्राइ एंगल आर नॉट कंक्रेंट बेटा ये भी फॉल्स है क्योंकि राइट बाई सेक्टर जो होते हैं ट्राइंगल के ये हमने सेवनटीन पॉइंट टू एक्सरसाइज थी जो जिसमें ट्राइंगल्स बनाई थी तो वो कंक्रेंट होते हैं यानी कि एक ही पॉइंट पर मिलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट कंक्रेंट इसलिए ये फॉल्स है द बाई सेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइ एंगल आर कंक्रेंट ये भी ठीक ये ठीक है बेटा क्योंकि ये कंक्रेंट होते हैं राइट बाई सेक्टर या बाई सेक्टर ऑफ एंगल ये भी कंकरेंट होते हैं उसके अलावा मीडियन जो हमने ड्रा किए थे वो भी कंकरेंट होते हैं अगर हमने अल्टीट्यूड ड्रा किए थे वो भी कंकरेंट होते हैं उसके बाद सातवाँ देखें एनी पॉइंट ऑन द बाई सेक्टर ऑफ एंगल इज़ नॉट इको डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म ये भी ये बेटा रॉन्ग है क्योंकि लिखा हुआ है नॉट हमने पढ़ा था थ्योरम में कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाई सेक्टर इज़ इक् डिस्टेंस फ्राम इट्स आर्म तो यहाँ नॉट आ गया फॉल्स नेक्स्ट देखिए सातवां आठवां एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इज इक्व डिस्टेंस फ्राम इट्स आम इज ऑन द बाई सेक्टर ऑफ ए इट ये ट्रू है कि एंगल के अंदर कोई भी पॉइंट जो एंगल बाई सेक्टर पर हो उसका दोनों आर्म से फासला इक्वल होता है थ्यूरम नंबर फोर में हमने प्रूव किया था तो ये बेटा हमारे एम सी क्यूज थे फिलहद ट्रू एंड से इन्हीं से एम सी क्यूज बनते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव हमारे सिलेबस में शामिल हैं क्वेश्चन नंबर फोर के स्टेटमेंट है इफ द गिवन ट्राइ एंगल ए बी सी इक्वलेट्रियल ट्राइ एंगल एंड ए डी इज द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अन् नउन एक्स वाई जी तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर फोर देखें ये उसने कहा है कि एक इक्वलेट्रियल ट्राइ एंगल है अगर ये इक्वलेट्रियल ट्राइ एंगल है तो इसके तीनों साइडों की लेंथ इक्वल होगी उसके बाद हमने हम लोक करना है एक्स डिग्री वाई डिग्री और जी डिग्री अगर बेटा कोई ट्राइ एंगल इक्वलेट्रियल ट्राइ एंगल हो तो मेरा आपसे क्वेश्चन है उसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है ये बेटा ट्राइ एंगल के तीनों एंगल का सम होता है वन एटी तो फिर अगर तीनों साइडें इक्वल तो तीनों एंगल भी इक्वल इट मीनस इसका हर एंगल जो भी इक्वलेट्रियल ट्राइ एंगल होती है उसका हर एंगल सिक्सटी डिग्री का होता है तो हम नीचे लिखेंगे ए बी सी इज एन इक्वेट्रियल ट्राइ एंगल सो इट्स ईच एंगल इज सिक्सटी डिग्री तो इससे ये पता चलेगा कि फिर मेजर एंगल जी भी है जो ये सिक्सटी डिग्री है तो हम लिखेंगे जी डिग्री जी डिग्री इक्वल है सिक्सटी डिग्री उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये बनेगा एक्स प्लस नेक्स्ट आल्सो बेटा ये दोनों एंगल मेरे कल एंगल ए बना रहे हैं तो एक्स प्लस वाई डिग्री यानी कि दोनों एक ही एंगल हैं तो लेकिन प्लस इसको डिवाइड किया गया एंगल वाई सेक्टर से तो बेटा ये भी क्या होगा एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल है सिक्सटी डिग्री नेक्स्ट देखें तो ये बनेगा ए डी डिवाइड एन एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट उसने खुद बताया कि ए डी है जो ये एंगल बाई सेक्टर है अगर ये एंगल बाई सेक्टर है तो इट मीनज एक्स डिग्री का जितना एक्स डिग्री होगा उतना ही वाई डिग्री होगा यानी कि एक्स डिग्री इक्वल होगा वाई डिग्री सपोज अगर ये नाइन्टी है तो फोटी फाइव ये होगा फोटी फाइव ये अगर ये सिक्सटी है तो थर्टी ये थर्टी ये तो ये एक्स डिग्री इक्वल टू वाई डिग्री तो हम नेक्स्ट लिखेंगे हमने ये लिखा था एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्सटी डिग्री लेकिन क्योंकि एक्स इक्वल है वाई के तो इट मीन्स हम वाई की जगह पर फिर इस इक्वेशन में एक्स लिख सकते हैं तो हम लिखेंगे एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल है सिक्सटी डिग्री और फिर हम क्या कर देंगे यहाँ पे इनको ऐड करें 2X, टू एक्स टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो एक्स का आंसर थर्टी डिग्री बेटा एक्स का आंसर थर्टी डिग्री है तो वाई का आंसर फिर भी थर्टी डिग्री होगा क्योंकि मैंने कहा था ये आपस में बराबर है बिकॉज एक्स डिग्री इज इक्वल है वाई डिग्री तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज ये बेटा ट्वेल्थ चैप्टर का सबसे अहम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव है ये बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव में एक इक्वलियल ट्राइंगल है और ये एल एम उसका क्या है राइट बाई सेक्टर है. नहीं ये दोनों कांग्रह ट्राइ है एल एम ओ और एल एन ओ बुक के ऊपर बेटा इस साइड की वो मिस प्रिंट है वैल्यू लेकिन ट्वेंटी फोर है ये या एटीन होगी या ट्वेंटी फोर लेकिन अगर एटीन भी हो तो आप हल कर लें लेकिन ट्वेंटी फोर से ही ज़्यादातर पेपर में आता है तो बेटा इसको क्या करना है ये ट्राइंगल कंग्रेंट है तो हम लिखेंगे इट इज़ गिवन द ट्राइ आर कंकरेंट सो इट्स अपोजिट क्रॉसपॉन्डिंग साइड एंड एंगल आर कंक्रेंट अगर ये इसके अपोजिट साइड कंकरेंट है तो फिर बेटा एम इक्वल होगा ट्वेल्व के क्योंकि जितनी लाइन एम ओ उतनी लाइन ओ एन तो एम इक्वल है ट्वेल्व के सीधा सीधा यहाँ से आंसर आ गया एम का ट्वेल्व उसके बाद ये बेटा अपोजिट साइड कंकरेंट है तो इट मीन्स टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल होगा ट्वेंटी फोर के तो यहाँ से सिक्स दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ट्वेंटी फोर में से सिक्स निकाले एटीन टू मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड तो इसको कट करें तो आंसर नाइन बेटा ये ट्वेल्थ चैप्टर से बार बार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है यही दो क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल थे दोनों बेटा आपको करवा दिए ओके बेटा खुदा हाफिज़